क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सपीरियंस ऑफ रियल नंबर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ आर डी शर्मा 2022। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 13 क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है प्रूव दैट, यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको प्रूव करना है 3/5 के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे LHS। LHS आपको दे रखी है रूट में 3 × 5^-3 डिवाइड बाय √3^-1 √5 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 6 √3 × 5^6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट को रिमूव करेंगे। तो आपको पता है कि रूट है तो आपको बनेगा 3 × 5^-3 की होल पावर 1/2। डिवाइड मतलब ये डिवाइड हो रहा है, 3^-1 की होल पावर 1/3, 5^-1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 × 5^6 की होल पावर 1/6। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर आपको पता है कि ए बी की पावर एन हो तो ये आपका बन जाता है a^n × b^n। पावर आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको बनेगा 3^2 5^-3/2 3^-1/3 5^1/2 मल्टीप्लाई बाय 3^1/6 मल्टीप्लाई बाय 5^6/6। अब हम लाइक टर्म को सेपरेट करेंगे तो आपका बनेगा 3^1/2 मल्टीप्लाई बाय 3^1/6 मल्टीप्लाई बाय 5^-3/2 मल्टीप्लाई बाय 5^1 होल डिवाइडेड बाय 3^1/3 मल्टीप्लाई बाय 5^1/2। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके माइनस। तो आपका बनेगा 3^1/2 प्लस 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5^-3/2 प्लस 1 माइनस ऑफ 1/2। ऐसे हम लेंगे तो आपका आएगा 6। तो यहाँ पर आपका बन गया 3, यहाँ पर आपका बन गया 1, यहाँ पर आपका बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5^ −3 − 1 −4 −4/2 −2 प्लस 1। तो आपका बन गया 3^6/6 मल्टीप्लाई बाय 5^-1। तो आपका बन गया 3/5। और अगर आप ध्यान से रखो तो यही आपको क्या करना था प्रूफ, तो इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, 9^3/2 −3 × 5^0 −1/81 बराबर है 15। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को लेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 9^3/2 −3 × 5^0 −1/81 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3^2 की होल पावर 3/2 −3 × एनी रियल नंबर की पावर 0 होगा तो वो कितना होगा 1 होगा माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 1/9 की पावर 2 की होल पावर −1/2। यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे a^m/n दैट इज इक्वल टू a^mn। तो आपको बनेगा 3^2 × 3/2 −3 माइनस 1/9 की पावर 2 × −1/2 2 से 2 कैंसिल आउट 3^3 मतलब 27 −3 माइनस यहाँ पर आपको दे रखा है 1/a^-1। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर को रेसिप्रोकल, तो ये आपका बन जाएगा a। तो यही हम यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 9^1। तो यहाँ पर आपका बन गया 27 −12 डेट इज इक्वल टू 15। और यही आपको क्या करना था प्रूफ, तो इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दे रखे और आपको प्रूफ करना है 16/3 के। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। 1/4 − 2 है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए नंबर को क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो 4^2 −3 मल्टीप्लाई बाय 8 किसका क्यूब होगा 2 का, तो 2^3 की होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय एनी रियल नंबर की पावर 0 होगा तो कितना होगा 1 प्लस
9 बाय 16 की पावर माइनस हाफ एन, पावर को पॉजिटिव करने के लिए नंबर को रेसिप्रोकल, तो 16 बाय 9 की पावर 1 बाय 2। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 16 किसका स्क्वायर होगा 4 का और 9 किसका होगा 3 का, तो 4 बाय 3 का पावर 2 की होल पावर 1 बाय 2। 16 माइनस 12 प्लस, पावर से पावर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 बाय 3। 16 में से 12 गए 4, तो 4 प्लस 4 बाय 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 12 प्लस 4 बाय 3, डेट इज इक्वल टू 16 बाय 3। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि ये 10 के बराबर है। तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे, 2 की पावर 1 बाय 2 एज इट इज, 3 की पावर 1 बाय 3 एज इट इज, 4 को हम सबसे पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको मिल गया 2 की पावर 2 की होल पावर 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, तो 2 × 5 की होल पावर माइनस 1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 बाय 5। यहाँ पर आपका डिवाइड है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई बनाएंगे तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लाई बाय, नीचे वाली टर्म आपके ऊपर आ गई, तो 2 की पावर 2 की होल पावर माइनस 3 बाय 5। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस 7 बाय 5। 2 की पावर 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 बाय 3, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4, तो आपको मिल गया 2 की पावर 1 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, बेस डिफरेंट है पर पावर इक्वल है, तो पावर हम क्या कर देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपको बनेगा 2 की पावर माइनस 1 बाय 5, 5 की पावर माइनस 1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो माइनस 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 3 की पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 बाय 3 5 की पावर माइनस 7 बाय 5। अब हम लाइक टर्म को सेपरेट करेंगे, तो 2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस 6 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 2 की पावर माइनस 1 बाय 5 5 की पावर माइनस 1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 बाय 5 5 की पावर माइनस 7 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 बाय 3। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस, तो 2 की पावर हाफ प्लस हाफ माइनस 6 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1, हाफ का सा है ये वाला हाफ, हाफ माइनस 6 बाय 5 1, और ये वाला ऊपर जाके क्या बन गया प्लस 3 की पावर 1 बाय 3 प्लस 1, और नीचे वाली ऊपर जाके माइनस, तो माइनस 4 बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर माइनस 1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस 7 बाय 5। तो 2 की पावर हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 5 बाय 5 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 बाय 3 माइनस 4 बाय 3 5 की पावर 3 माइनस 1 2 2 बाय 5 माइनस 7 बाय माइनस 5 बाय 5 2 की पावर 1 3 की पावर 0 और 5 की पावर माइनस 1। पावर को पॉजिटिव करने के लिए नंबर को रेसिप्रोकल, तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0। एनी रियल नंबर की पावर 0 होगी तो वो होगा 1, 2, 5 = 10, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 5, 1 बाय 4 रूट प्लस 0.01 की पावर माइनस हाफ माइनस 27 की पावर 2 बाय 3 बराबर है 3 बाय 2। तो यहाँ पर हम LHS लेंगे, 1 बाय 4 की पावर रूट हटाएंगे तो आएगा 1 बाय 2 प्लस पॉइंट मूव किया तो आपका आ गया 1 बाय 100 की पावर माइनस हाफ माइनस 27 किसका क्यूब होगा 3 का, तो 3 की पावर 3 की पावर 2 बाय 3। 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का, तो 1 बाय 2 की पावर 2 की होल पावर 1 बाय 2 प्लस 100 किसका स्क्वायर होगा 10 का, तो 1 बाय 10 का होल स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 3 की पावर, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आपको बन गया 1 बाय 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपको बन गया 1 बाय 10 की पावर माइनस 1
माइनस, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, थ्री का स्क्वायर कितना होगा नाइन। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो वन बाय टू प्लस टेन माइनस नाइन, वन बाय टू, टेन में से नाइन गया वन, इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपका कितना आ गया थ्री बाय टू, और यही आपको क्या करना था प्रूफ, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर सिक्स, टू की पावर एन प्लस टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू की पावर एन बराबर है थ्री बाय टू। तो यहाँ पर हम एलएचएस लेंगे, टू की पावर एन एज इट इज, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर ए की पावर एम माइनस एन हो तो आपका बन जाता है ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो टू की पावर एन माइनस वन को लिख सकते हैं टू की पावर एन अपॉन टू होल डिवाइडेड बाय टू की पावर एन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर वन माइनस टू की पावर एन। अब इसके बाद भी टू की पावर एन है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तो टू की पावर एन मैंने ऊपर से क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर आपका बन गया वन प्लस वन बाय टू। नीचे अगर टू की पावर एन कॉमन लेंगे तो आपका बनेगा टू माइनस ऑफ वन, टू की पावर एन कैंसिल आउट, वन प्लस वन बाय टू होल डिवाइडेड बाय वन, तो एलसीएम लिया तो आपका कितना आ गया थ्री बाय टू, और यही आपको क्या करना था प्रूफ, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर सेवन, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है 61/16। सबसे पहले एलएचएस को लिखेंगे, 64 और 125 आपका किसका क्यूब होगा, 4 का, तो 4 बाय 5 की होल पावर 3 की पावर माइनस 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 256 और 625 किसकी पावर 4 होगी, 4 बाय 5 की, तो 4 बाय 5 की पावर 4 की होल पावर 1 बाय 4। अगर आपको ये पावर नहीं पता तो आप क्या करोगे, साइड में रफ वर्क में इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, देन इसको प्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ पावर प्लस एनी रियल नंबर की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो इस करके यहाँ पर आपको इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ पर आपने क्या लिख देना है 1, यहाँ पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज आपको पता है कि एनी रियल नंबर की पावर क्या होगी 0, तो वो ऑलवेज 1 होता है। तो इस करके यहाँ पर आपने डायरेक्टली 1 लिख देना और टाइम को बचा के फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपको बन गया 4 बाय 5 की पावर माइनस 2 प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट, नीचे वाला 5 ऊपर जाके न्यूमिनेटर बन गया, तो 5 बाय 4 प्लस 1। पावर को पॉजिटिव करने के लिए नंबर को रेसिप्रोकल, तो 5 बाय 4 की पावर स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9, 9 बाय 4, 5 का स्क्वायर होगा 25 बाय 16 प्लस, इसको 16 बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 9 इज 36 अपॉन 16, बेस सेम है तो ऊपर आइटम ऐड, तो 61/16, और यही आपको क्या करना था प्रूफ, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 8, यहाँ पर हम सबसे पहले एलएचएस लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एनी रियल नंबर की पावर 0 होगी तो वो कितना होगा 1, तो 1 माइनस 0.1 की पावर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर को रेसिप्रोकल, तो ये आपको बन गया 8 बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर को रेसिप्रोकल, तो ये आपका क्या बन गया 3, 8 से 8 कैंसिल आउट, 3 9 से 27, तो आपका बन गया 1 माइनस 1 बाय 10 की पावर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर को रेसिप्रोकल, तो 1 माइनस 10 अपॉन 6, तो माइनस 9 बाय 6, तो आपका क्या बन गया माइनस 3 बाय 2, और यही आपको प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नंबर 9, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दे रखकर आपको प्रूव करना है 20√2 के, तो सबसे पहले हम एलएचएस को लेंगे, 3 की पावर माइनस 3 एज इट इज, 6 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे 2 टर्म में, 2 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 98 कैसे बना होगा, जब मैं 49 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 25 का क्यूब रूट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय 25 की पावर 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 15 आपका कैसे बना होगा 3 इंटू 5 की होल पावर माइनस 4 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 बाय 3, 3 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय पावर आपकी क्या हो जाएगी दोनों टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, 49 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आपका बाहर आ गया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय और 2 हमारा नॉन परफेक्ट है, तो आपका विद इन रूट रहेगा √2 होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो आपका बन गया 1 बाय 5 की पावर 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पावर आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो 3 की पावर माइनस 4 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस 4 बाय 3,
मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3। लाइक टर्म को सेपरेट करेंगे तो 3 की पावर -3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। पावर को नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि 1/5 है, तो आपका बन गया 5 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -4/3, 5 की पावर -4/3 और 3 की पावर 1/3। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 3 की पावर -1, 2 की पावर 4+1 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1। बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड, तो 5 की पावर 2 -2/3 -4/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -4/3 + 1/3। तो 3 की पावर -1, 2 की पावर 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 अपॉन -6 अपॉन 3 -2, तो 5 की पावर कितना हो गया 0। 3 की पावर -1, तो 5 की पावर 0 कितना हो गया 1। और 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 कैंसिल आउट, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या बन गया 2 की पावर 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1। पर अगर आप अभी आंसर मैच करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, तो अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 × 7 × √2, 4 × 7 = 28 √2। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा RHS, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 को कवरअप कर रहे हैं। जो इनके फर्दर क्वेश्चन है उनकी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा शेयर करें, और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।